Hi everyone, Jai Hind, Jai Bharat, Jai matadi. Just today I got a mail from uh, one of our trainee marine engineers who is looking for a job So I just want to read that mail to you guys and then we will discuss on this So the mail says Respected Sir, I am XYZ from Rajasthan Sir, I have completed my BE Marine Engineering from a DGS approved college That is GG Shipping Approved College And completed my basic modular courses from HIMT बट सर इन माई कॉलेज नो प्लेसमेंट इज देयर एंड फ्रॉम लास्ट वन ईयर आई हैव ट्राइड फॉर जॉब बट नो चांस एजेंट आस्क मनी डोंट हैव रेफरेंस सर माई फादर इज अ फार्मर एंड आई डोंट हैव अदर ऑप्शन टू शिप इफ एनी पॉसिबिलिटीज देयर फ्रॉम योर साइड प्लीज प्रोवाइड मी हेल्प फ्रॉम योर साइड थैंक्स एंड बेस्ट रिगार्ड्स एक्स वाई जेड देखिए बच्चों इस मेल के थ्रू मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि मॉडलर कोर्सेज आप चाहे एच से करें चाहे आप बीपी मरीज से करें कहीं से भी करें नो वरीज बट जब बात आती है बी ई मरीन इंजीनियरिंग करने की या डी एन एस करने की या बी एस सी नोटिकल साइंस करने की या जी पी रेटिंग कोर्स करने की या कोई भी इलेक्ट्रिकल टेक्निकल ऑफिसर कोर्स करने की या कोई भी कोर्स करने की सिर्फ डी जी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज होने से मकसद हल नहीं होगा वो एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है जैसे कि जब आप बोर्ड में बैठते हो तो 40 प्रतिशत नंबर कम से कम चाहिए अगर आपको पास होना है बट क्या चालीस प्रतिशत जिंदगी सेट कर देगा कि नहीं करेगा उसी तरह बेयर मिनिमम है कि डी डी शिपिंग अप्रूव कॉलेज तो होना ही चाहिए लेकिन उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं ट्राई एंड ज्वाइन अ कॉलेज जहां पर प्लेसमेंट अच्छा जाए उसके लिए मेहनत करनी पड़े पहले सी दिस इज वॉट द क्राइटेरिया इज आप पहले शॉर्टकट लेके ज्वाइन करके बाद में सिस्टम को ब्लेम करेंगे तो कहां जाएंगे सिस्टम आपकी हेल्प करने नहीं आएगा आपको अपनी हेल्प खुद करनी है गाइस अब देखो तुम्हारे पापा फार्मर हैं गरीबी के तलबे से निकले हुए हैं तुमने एक डिजास्टर कॉलेज चुन लिया नौकरी हाथ में नहीं है एक साल से तुम जॉब ढूंढ रहे हो घर वाले अलग परेशान होंगे क्या किया तुमने बेटा तो इस वीडियो के माध्यम से मैं हर किसी से कहना चाहता हूं जो टॉप नॉच कॉलेजेस हैं उसी के लिए कोशिश कीजिए अपनी नॉलेज को बढ़ाइए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कीजिए कंपटीशन का जोरदार पार्ट बनिए ताकि जब एक बार आप सिलेक्शन हो जाए एक बार सपने दिख जाए कि यहां ऑफिसर बनने वाले हो तो फिर पीछे मुड़ के ना देखना पड़े कि अरे यार नौकरी नहीं है दिक्कत है तो मैं उन बच्चों की हेल्प इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूं कि गलत कॉलेज मत चुनिए गलत जगह मत जाइए और अगर चले गए तो फिर जी जान लगा के मेहनत कीजिए क्योंकि डिसीजन आपका था आपके माँ बाप का नहीं था अब कैसे भी करके बिना एजेंट के पास गए धक्के खाओ मुंबई में चपले घसीटो लेकिन नौकरी पाके मानो और अगर मन बना लिया है कि जीपी रेटिंग करना है तो इस प्लेलिस्ट को देखिए इसमें आपको हर वो जानकारी मिलेगी जीपी रेटिंग के लिए जो कि बहुत जरूरी है अगर इन बातों का आप ख्याल रखोगे तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा यह मेरा आपसे वादा है धन्यवाद जय माता दी